प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था सम इम्पोर्टेंट ड्रग्स का, जो हम लोग थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग चेक करते हैं, जिसके अंदर फेनिटोइन, कार्बामाजेपिन, डिगोक्सिन, थियोफाइलिन, लिथियम एंड जेंटामाइसिन। एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द सैंपल कंसंट्रेशन। यहाँ पे हम लोग थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने के लिए जो सैंपल कलेक्ट करेंगे एक पेशेंट से, उसकी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोअर देन एंटीसिपेटेड एंड हायर देन एंटीसिपेटेड। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन हम लोग ले रहे हैं सैंपल की, अगर किसी भी पेशेंट के ब्लड के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन कम है तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, एंड हायर देन एंटीसिपेटेड, एक जो नॉर्मल कंसंट्रेशन से अगर हाई है तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेशेंट नॉन कंपाइलेंस, अगर कोई भी पेशेंट के ब्लड के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन कम है तो वहां पे हम लोगों को पेशेंट का जो कंपाइलेंस है वो क्या होगी, नॉन कंपाइलेंस होगी, पेशेंट को अच्छा महसूस नहीं होगा, कंपाइलेंस नहीं होगी। नेक्स्ट वन, एरर इन डोज रिजामाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोज रिजामाइन क्या है? डोज रिजामाइन इज डिफाइंड एज द मैनर इन विच ए ड्रग इज टेकन फॉर सर्टेन एलर्जेसिक्स, हिप्नोटिक, एंटीमेटिक्स एक्सेट्रा। यहाँ पे हम लोग जो ड्रग्स यूज लेते हैं, एंड ए सिंगल डोज मे प्रोवाइड एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट बट ड्यूरेशन ऑफ मोस्ट इलनेस इज लॉन्गर देन द थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एन सिंगल डोज इन सच कॉज ड्रग एंड रिक्वायर टू टेकन ऑन ए रिपीटेटिव बेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे डोज रिजामाइन से मेन जो मतलब है वो ये है कि हम लोग जैसे ही एक डोज देंगे पेशेंट को, उससे पेशेंट को रिलीफ मिलेगा, बट जो उसका जो लॉन्गर इफेक्ट है कोई भी डिजीज का, उसको ट्रीट करने के लिए हम लोगों को दोबारा से क्या होगी, रिपीटेड डोज रिक्वायर्ड होगी। जो भी डोज हम लोग दे रहे हैं उसको रिपीट हम लोगों को करना होगा, इट्स मीन्स डोज रिजामाइन। और वहां पे हम लोगों को एरर देखने को मिल सकता है लो कंसंट्रेशन के अंदर, अगर ब्लड के अंदर ड्रग की लो कंसंट्रेशन है तो वहां पे हम लोगों को डोज रिजामाइन के अंदर एरर देखने को मिल सकते हैं। एंड रैपिड एलिमिनेशन, अगर कोई भी ड्रग एक लेवल है उससे कम अमाउंट के अंदर ब्लड के अंदर है तो उसका जो एलिमिनेशन है वो क्या होगा, रैपिड होगा। एंड कंपेयर हाई देन एंटीसिपेटेड के अंदर क्या होगा, जो एलिमिनेशन होगा वो स्लो होगा। एंड नेक्स्ट वन, टाइमिंग ऑफ सैंपल। एंड यहाँ पे जो लोअर देन एंटीसिपेटेड है वहां पे हम लोगों को टाइमिंग का ध्यान रखना होगा, सैंपल जो हम लोग कलेक्ट करेंगे उसका हम लोग टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही उसका कलेक्शन करेंगे। एंड नेक्स्ट वन, चेंजिंग हेपेटिक ब्लड फ्लो एंड लोअर देन एंटीसिपेटेड। यहाँ पे जो जो जिन पेशेंट्स के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन लो है उनके अंदर जो हेपेटिक ब्लड फ्लो, जो लीवर को ब्लड फ्लो जाता है, वहां पे हम लोगों को चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड पुअर बायो अवेलेबिलिटी एंड लोअर देन एंटीसिपेटेड ड्रग्स की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो क्या होगी, पुअर होगी। एंड जो एक बायो अवेलेबिलिटी ब्लड के अंदर होनी चाहिए ड्रग कंसंट्रेशन की, वो पुअर होगी। एंड रिड्यूस प्लाज्मा बाइंडिंग, एंड जो ड्रग की बाइंडिंग होती है प्लाज्मा के साथ में ये क्या होगी, कम होगी। जो ड्रग मैक्सिमम टाइम के लिए बाइंड होनी चाहिए एक प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में, वो जो बाइंडिंग है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। कुछ टाइम में ही बाइंडिंग से जो ड्रग है वो बाइंडिंग साइट से क्या होगी, रिमूव हो जाएगी एंड एलिमिनेट हो जाएगी। इसी की वजह से हम लोगों का जो एलिमिनेशन है वो रैपिड हो रहा है लोअर देन एंटीसिपेटेड के अंदर। एंड नेक्स्ट वन इज हायर देन एंटीसिपेटेड, इन विच हायर देन एंटीसिपेटेड एरर इन डोज रिजामाइन। एंड यहाँ पे भी हम लोगों को जो डोज रिजामाइन है उसके अंदर एरर देखने को मिल सकता है। एंड रैपिड बायो अवेलेबिलिटी, जो ड्रग की कंसेंट्रेशन ब्लड के अंदर होनी चाहिए वो क्या होगी, यहाँ पे रैपिड होगी, जल्दी हम लोगों के ब्लड के अंदर ड्रग क्या होगी, प्रेजेंट होगी। एंड स्लो एलिमिनेशन, जो ड्रग का एलिमिनेशन होगा वो कैसे होगा, स्लोली होगा। एंड इंक्रीज्ड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। एंड लास्ट वन इज
जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है वो यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी एंड डिक्रीज रीनल हेपेटिक फंक्शंस, जो हम लोगों के किडनी एंड लीवर के जो फंक्शंस है वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे ड्यू टू हायर कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड। तो यहाँ पे जो सैंपल का कंसेंट्रेशन है उसके इफेक्ट हम लोगों की बॉडी में देखने को मिलेंगे, बिलो द लेवल एंड हायर द लेवल, जो ड्रग की कंसेंट्रेशन है ब्लड के अंदर वो हम लोगों को यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन, इंटरप्रेटिव क्राइटेरिया क्या है, द टेबल बिलो लिस्ट्स एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स एंड इंडिकेट विच इफ एनी ससेप्टेबिलिटी टेस्ट। इंटरप्रेटिव क्राइटेरिया आल्सो नोन एज ब्रेक पॉइंट मीन्स अब्रेविटिव इन STIC आर रिकॉग्नाइज्ड एंड आइडेंटिफाइड बाय FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द ड्रग। यहाँ पे जो इंटरप्रेटिव क्राइटेरिया है उनको रिकॉग्नाइज कौन करता है, उनको आइडेंटिफाई कौन करता है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव FDA डिपार्टमेंट जो होता है वो यहाँ पे जो इंटरप्रेटिव क्राइटेरिया है उनको रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई करने का जो काम है वो कौन करेगा, FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल थेरेप्यूटिक रेंज, इन विच थेरेप्यूटिक रेंज दीज आर द रिकमेंडेशन derived by observing the clinical response of a small group of patients taking the drug. यहाँ पे जो therapeutic range हम लोगों को recommended होगी जो therapeutic range एक drug की blood के अंदर होनी चाहिए वो उसके लिए कौन recommend करेगा, और उसकी जो observation हम लोग देखेंगे वो हम लोगों को क्या देखने को मिलेंगे, clinical response। एक कोई भी medicine patient को हम लोग dispense करते हैं और एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो उसके जो क्लिनिकल रेस्पॉन्सेस हैं वो हम लोगों को किसके थ्रू देखने को मिलेंगे, थेरेप्यूटिक रेंज के थ्रू एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ पेशेंट्स टेकिंग द ड्रग। नेक्स्ट वन, द लोअर लिमिट इज सेट टू प्रोवाइड 50% ऑफ द मैक्सिमम थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स व्हाइल द अपर लिमिट इज डिफाइंड बाय टॉक्सिसिटी। अगर हम लोगों को लोअर लिमिट प्रोवाइड होती है किसी भी ड्रग की कंसेंट्रेशन की तो वहां पे हम लोगों को कौन से इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स एंड अपर लिमिट इज डिफाइंड बाय टॉक्सिसिटी। एक लिमिट से ज्यादा अगर ब्लड के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन जाती है तो वहां पे हम लोगों को कौन से इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, टॉक्सिक इफेक्ट्स, टॉक्सिसिटी देखने को मिलेंगे, जिसके हम लोगों को टॉक्सिक इफेक्ट्स बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन, थेरेप्यूटिक रेंज आर not absolute and hence expert clinical interpretations of the obtained value is necessary to derive meaning from the result. अगर हम लोगों को therapeutic range जो होती है उससे हम लोगों को एक absolute जो clinical interpretations देखने को मिलेंगे वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे, because जो हम लोगों को absolute अगर therapeutic range के according जो हम लोगों को response देखने को मिलता है, clinical response जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं वो हम लोगों को एक जो value हम लोग patient को administered कर रहे हैं वो यहाँ पे हम लोगों को required होगी। Next one, data on duration of drug therapy, doses and time of the last dose is important. यहाँ पे जो किसी भी ड्रग का क्लिनिकल रेस्पॉन्स हम लोगों को अगर पेशेंट में देखने को मिल रहा है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ड्यूरेशन ऑफ ड्रग थेरेपी, डोजेस एंड टाइम ऑफ लास्ट डोज, कि हम लोगों ने जो लास्ट डोज एडमिनिस्टर्ड की थी उसका टाइमिंग एंड डोज एंड ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट वन, ट्रू थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग टेस्टिंग takes into consideration all the factors that can affect result in interpretations. यहाँ पे जो therapeutic drug monitoring हम लोग की testing कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोगों को जो कौन कौन से factors हैं जो कि हम लोगों के result को affect कर सकते हैं and उसके अंदर interpretations कर सकते हैं। Next one, factors that affect results. यहाँ पे थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग हम लोग किसी भी पेशेंट की करते हैं तो वहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिजल्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, TDM को अफेक्ट कर सकते हैं,
फर्स्ट वन इज फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर। फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर्स मींस अगर फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर की वजह से अगर टीडीएम अफेक्ट हो रहा है तो वहां पे कौन कौन सी चीजें अफेक्ट होंगी, लाइक एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स। यहाँ पे जो अगर फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर अफेक्ट कर रहा है तो वहां पे हम लोगों को एलिमिनेशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म जो ड्रग का होता है उन सभी के अंदर हम लोगों को वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। दैट मींस फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर्स। एंड नेक्स्ट वन इज फार्माकोडायनेमिक फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करेंगे। फार्माकोडायनेमिक अफेक्ट जो करेंगे वो कैसे करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसके अंदर हम लोगों को अफेक्शन देखने को मिलेंगे, वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज डोज फैक्टर। अगर कोई भी पेशेंट को जो हम डोज दे रहे हैं अगर वो डोज कम या ज्यादा है तो उस कंडीशन में हम लोगों को जो टीडीएम है उसके अंदर अफेक्ट देखने को मिलेगा, उसके अंदर हम लोगों को वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। अगर किसी पेशेंट को डोज जानी चाहिए 50 mg एंड उसको अगर 40 जा रही है या फिर 60 mg जा रही है तो वहां पे हम लोगों को जो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग है, ड्रग की कंसेंट्रेशन है ब्लड के अंदर, वो हम लोगों को चेंज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज सैंपलिंग टाइम एंड टाइप। सैंपलिंग टाइम एंड टाइप यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज अगर हम लोगों ने किसी भी पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्ट्रेट की और उसका जो बायो अवेलेबिलिटी टाइम है, मान लो कोई भी ड्रग है उसका ब्लड के अंदर जो कंसेंट्रेशन है वो हाफ एन आवर के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा, एंड हम लोग अगर उसकी सैंपलिंग आफ्टर हाफ आवर या 2 आवर के बाद में हम लोग सैंपलिंग करते हैं तो वहां पे हम लोगों को जो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, जो ड्रग की कंसेंट्रेशन ब्लड के अंदर मिलनी चाहिए वो हम लोगों को नहीं मिलेगी, बिकॉज आपने जब सैंपल लिया उससे पहले ड्रग का एलिमिनेशन हो चुका है। तो यहाँ पे सैंपलिंग टाइम एंड टाइप भी फैक्टर करता है एक टीडीएम के अंदर। नेक्स्ट वन इज टेस्टिंग मेथडोलॉजी। टेस्टिंग मेथडोलॉजी, हम लोग कौन से मेथड से थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं, वो भी हम लोगों के लिए एक मेथड जो होता है वो फैक्ट करता है। एंड नेक्स्ट वन इज जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म? जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म इज डिफाइंड एज द इनहेरिटेंस ऑफ ए ट्रेड कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल जेनेटिक लोकस विद ए एलियन। यहाँ पे जो हम लोगों को जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म है वो हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से हम लोगों को अफेक्शन देखने को मिल सकता है टीडीएम के अंदर। नेक्स्ट वन अदर वेरिएबल्स। सर कैसे, इसका कोई एग्जांपल देना सर, किस चीज का? जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। हाँ, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम लोगों को पॉलीमॉर्फिज्म, यहाँ से आप लोग क्या समझते हो, पॉली से मतलब क्या समझ रहे हो? मेनी एंड मैरिज मींस टूटना, पॉलीमॉर्फिज्म मींस मतलब टूटना, जीन का फ्रेगमेंट्स जो होते हैं। हाँ, तो वहां पे हम लोगों को अगर कोई भी हम लोग जो हम लोगों की मेडिसिन है जो कि हम लोग एक जो आप लोगों ने पॉली फार्मेसी का नाम सुन रखा होगा, पॉली फार्मेसी से मतलब क्यों कि हम लोगों को अगर कोई भी ड्रग हम लोग ले रहे हैं तो अगर हम लोगों को मान लो ड्रग है जो कि बीडी है या टीडी है, जो भी दिन के अंदर हम लोग 3 टाइम ले रहे हैं या 2 टाइम ले रहे हैं, तो वहां पे हम लोगों को अगर कोई भी ड्रग डबल अमाउंट में जा रही है बॉडी के अंदर, इट्स मींस पॉली फार्मेसी, जो कि हम लोगों को ड्रग क्या डोज क्या हो रही है वहां पे डबल हो रही है, तो उसकी वजह से जो हम लोगों के जीन्स हैं उनके अंदर हम लोगों को वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। तो उसी कंडीशन को हम लोगों को, जिनकी वजह से हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, जो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग है, जो ड्रग की कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर, वो हम लोगों को क्या देखने को मिलेगी, ज्यादा देखने को मिलेगी ड्यू टू पॉली फार्मेसी या पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि हम लोगों की डबल डोज जो ब्लड के अंदर जा रही है उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। यस, पॉलीफार्मेसी में तो ये भी होता था ना कि एक ड्रग के बहुत सारे मल्टीपल एक्शंस आते थे, वो मल्टीपल एक्शंस वहां पे इसी वजह से आ रहे हैं, जैसे मान लो कोई भी ड्रग है उसका एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन है,
एंड उसी के साथ में अगर कोई ऐसी ड्रग हम लोग दूसरी ड्रग भी ट्रीटमेंट के अंदर दे रहे हैं, उसके भी एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन आ रहे हैं, तो वहां पे हम लोगों को डबल एक्शन देखने को मिलेंगे। उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीफार्मेसी बोल रहे हैं। भाई कोई भी ड्रग है उसके हम लोगों को बॉडी के अंदर डबल एक्शन देखने को मिल रहा है, तो वही इफेक्ट्स जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीफार्मेसी या पॉलीमॉर्फिज्म जो यहाँ पे है वो हम लोगों के ड्रग के एक्शन है, और यहाँ पे पॉली जो जेनेटिक हम लोगों को एक्शन देखने को मिलेंगे, फैक्टर्स देखने को मिलेंगे, वो क्या है यहाँ पे, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। ओके ओके, एनी क्वेरी सुबोध? नो सर, नाउ इट्स ओके, बट अप टू नाउ आई डोंट गेट इट, द जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म का यहां पे क्या यूज है सर? इसका जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म का यहां पे यूज नहीं है, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म का यहां पे यूज नहीं है। जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे जो हम लोगों की थेरेप्यूटिक ड्रग कंसेंट्रेशन है, ब्लड के अंदर जो ड्रग की कंसेंट्रेशन है, उसको यहाँ पे जो हम लोगों की बॉडी के जेनेटिक जीन्स जो होते हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म जो जीन्स हम लोगों की बॉडी के होते हैं उनकी वजह से यहाँ पे हम लोगों को फैक्टर्स, जो जेनेटिक फैक्टर्स जो है, पॉलीमॉर्फिज्म जो जेनेटिक फैक्टर्स हम लोगों के हैं, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ड्रग की जो कंसेंट्रेशन है ब्लड के अंदर उसको अफेक्ट कर रहे हैं। बस इतना सा रोल है यहाँ पे। ओके सर, जितना ज्यादा बटेगा उतना ज्यादा ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा। बिल्कुल, वो तो होगा ही। कोई भी चीज को आप मान लो, अगर आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई भी आपको 10 ml अगर लिक्विड है उसके अंदर आप लोग अगर 1 gram अगर कोई भी चीज डिसॉल्व कर रहे हो उसमें, और एक आप उसके अंदर अगर 10 ml के अंदर 10 gram अगर ड्रग डिसॉल्व कर रहे हो, तो उसके अंदर उसके डिसोल्यूशन के ऊपर अफेक्ट तो आएगा भाई। आप एक नहीं सर, मैं इसलिए पूछा नहीं क्वेश्चन, बिकॉज सर बायोलॉजी वाले में। यस हाँ सर, सर जैसे बायोलॉजी वाले में माइटोसिस और मियोसिस, हाँ उसमें माइटोसिस और मियोसिस था, उसमें भी तो सर जीन का पॉलीमॉर्फिज्म होता था, तो उस वाले में सर कहाँ फ्रेगमेंट्स तो बढ़ते नहीं थे ना, मतलब उसमें जैसे 20 का सीक्वेंस बढ़ता नहीं था, उसी को हमने डोज से रिलेट करके पूछा आपसे। आपकी आवाज मेरे को प्रॉपर नहीं आ रही है, आपकी आवाज कट रही है। यहाँ पे मेन जो हम लोगों को जेनेटिक ओके, आप पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ लेना, आपको जो भी प्रॉब्लम है मैसेज छोड़ देना, मैं आपको क्लियरिफाई कर दूंगा ना। ओके, नेक्स्ट वन, अदर वेरिएबल्स। अदर वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं जो कि हम लोगों के थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग को अफेक्ट करते हैं, लाइक स्मोकिंग, ड्रग फॉर्मुलेशन एंड सर्केडियन इफेक्ट्स, यूज ऑफ अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यहाँ पे हम लोगों की किसी भी ड्रग की जो एक कंसंट्रेशन होती है ब्लड के अंदर उसको कौन कौन से अदर वेरिएबल्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, लाइक स्मोकिंग। अगर कोई भी पेशेंट ड्रग इनटेक कर रहा है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है और उसके बाद में अगर वो स्मोकिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोगों को जो ड्रग की कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर वो हम लोगों को देखने को, उसके अंदर हम लोगों को वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। एंड नेक्स्ट वन, ड्रग फॉर्मुलेशन। ड्रग फॉर्मुलेशन का भी यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलता है, लाइक हम लोग फॉर्मुलेशन जो हम लोग होती है, लाइक सॉलिड फॉर्मुलेशन है या लिक्विड फॉर्मुलेशन है, या फिर यहाँ पे हम लोगों की सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन या गैसियस फॉर्मुलेशन है, ये भी हम लोगों के कई बार अफेक्ट करने को देखने को मिलता है इसकी वजह से भी। एंड सर्केडियन इफेक्ट। सर्केडियन इफेक्ट यहाँ पे क्या है कि जो हम लोगों का जो नेक्स्ट वन जो हम लोगों का है, ये अल्टरनेटिव सिस्टम्स, लाइक जो अगर हम लोग एलोपैथी मेडिसिन यूज ले रहे हैं एंड उसके साथ में जो हम लोगों की आयुर्वेदिक प्रिपरेशन हैं वो भी अगर यूज लेते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या है, जो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग है, जो ड्रग की कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर, उसके अंदर हम लोगों को वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज इंट्रैक्शन विद कन्वेंशियल ड्रग हैव बीन डॉक्यूमेंटेड फॉर ल्यूकराइज, जेंसिंग, टैनिक एसिड, प्लैंटेन, अर्जारूट्स एंड हेटवॉर्न, हेथ्रॉन एंड कायोसिन। ये क्या है, हम लोगों की आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है,
जो कि यहाँ पे कन्वेंशनल ड्रग्स, कन्वेंशनल ड्रग्स मीन्स एनीवन कोई बता सकता है कन्वेंशनल ड्रग्स कौन सी ड्रग्स होती है, व्हाट इज कन्वेंशनल ड्रग्स? हेलो एनीवन कोई बता सकता है व्हाट इज कन्वेंशनल ड्रग्स? यस और नो? एनीवन रिप्लाई बी यस और नो, व्हाट इज कन्वेंशनल ड्रग्स? टैबलेट कैप्सूल. यस टैबलेट कैप्सूल तो होते हैं, बट यहाँ पे कन्वेंशनल ड्रग जो हम लोगों की एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल ड्रग्स बोलते हैं. और उसके साथ में अगर हम लोग जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है लाइक ये ल्यूकोराइज, जेंसेंग, टैनिक एसिड, हर्बल मेडिसिन जो होती हैं, ये अगर हम लोग अगर पेशेंट को देते हैं तो वो क्या करेंगे, जो ड्रग की कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर उसको अफेक्ट करेंगे, या तो उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे या उसकी कंसंट्रेशन को कम कर देंगे. इट्स मींस इंट्रैक्शन विद कन्वेंशनल ड्रग्स हैव बीन डॉक्यूमेंटेड फॉर, जैसे ल्यूकोराइज है, जिनसेंग है, टैनिक एसिड है, एंड प्लेटियन, अर्जारूट, हाउथरन एंड कायोसिन. ये क्या है, हम लोगों की आयुर्वेदिक प्रिपरेशन होती है इनकी, जो कि अफेक्ट करती है किसको, जो एलोपैथिक ड्रग्स के जो एक्शन होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन होती है ब्लड के अंदर उसको यहाँ पे क्या करेंगे, अफेक्ट कर देंगे. नेक्स्ट वन, मेजर सोर्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक वेरिएबिलिटी. मेजर सोर्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक वेरिएबिलिटी, यहाँ पे जो मेजर सोर्स कौन कौन से होते हैं जो कि फार्माकोकाइनेटिकली हम लोगों की ब्लड के अंदर जो ड्रग की कंसंट्रेशन है उसको वेरी करेंगे, उसकी वेरिएशंस हम लोगों को देखने को मिलेंगे जिनकी वजह से. फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट कंप्लायंस, पेशेंट कंप्लायंस यहाँ पे हम लोगों को उसकी वजह से क्या है, जो कि वेरिएबिलिटीज हम लोगों को देखने को मिलेंगी, वेरिएशन हम लोगों को देखने को मिलेंगे ड्रग की कंसंट्रेशन में. अगर पेशेंट को कोई भी ड्रग लेने के अंदर मतलब कंप्लायंस नहीं है, उनको उसके अंदर डिफिकल्टी नहीं हो रही है, तो वहां पे भी हम लोगों को वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं. नेक्स्ट वन एस, एस के अकॉर्डिंग लाइक न्यूनेंट्स, चिल्ड्रंस, अल्ट्री. अगर कोई बच्चों को अंदर हम जो छोटे बच्चे होते हैं न्यूनेंट्स उनके अंदर हम लोग अगर मेडिसिन एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं तो वहां पे हम लोगों को जो कंसेंट्रेशन है वो अलग देखने को मिलेगी, एंड चिल्ड्रंस के अंदर हम लोगों को डिफरेंट देखने को मिलेंगे, एंड एल्डरी जो जिनकी एज ज्यादा है उनके अंदर हम लोगों की ड्रग की कंसंट्रेशन. तो यहाँ पे जो एज है वो यहाँ पे वेरिएशंस करता है ड्रग की कंसंट्रेशन के अंदर. एंड नेक्स्ट वन इज फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी के अंदर जेंडर एंड प्रेगनेंसी. अगर कोई फीमेल है तो उसके अंदर कोई भी ड्रग की कंसंट्रेशन डिफरेंट देखने को मिलेगी, अगर वो मेल है तो उसमें अलग देखने को मिलेगी. एंड ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, अगर कोई पेशेंट कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसको हम लोग सेम ड्रग एक फीमेल में, एक मेल में एंड एक प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर अगर हम लोग एडमिनिस्टर्ड करते हैं तो वहां पे हम लोगों को तीनों के अंदर जो ड्रग की कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर वो उनके अंदर हम लोगों को वेरिएशंस देखने को मिलेंगे. इट्स मीन्स फिजियोलॉजी वेरिएशंस. एंड नेक्स्ट वन इज डिजीज लाइक हेपेटिक डिजीज, रीनल डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड रेस्पिरेटरी डिजीज. अगर किसी भी एक तो हम किसी नॉर्मल पेशेंट के अंदर ड्रग एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं और एक हम लोग जो कोई पेशेंट हेपेटिक डिजीज से, किसी पेशेंट को हेपेटिक डिजीज है या फिर किसी को रेनल डिजीज है या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है या रेस्पिरेटरी डिजीज है, अगर हम किसी भी एक तो सिंपल जो पेशेंट नॉर्मल पेशेंट को हम लोग ड्रग एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं और एक हम लोग डिजीज जिस पेशेंट को हो रखी है उसको ड्रग एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं, तो उनके भी बीच में हम लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा, उनकी जो ड्रग कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर उसके अंदर हम लोगों को वेरिएशंस देखने को मिलेंगे ड्यू टू डिजीज की वजह से, लाइक हेपेटिक डिजीज हो गई, रेनल डिजीज हो गई, कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी डिजीज. जितनी भी हम लोगों की डिजीज है वो ड्रग की कंसंट्रेशन को कंपेयर टू एक नॉर्मल पेशेंट के वेरिएशन करेगी, वेरिएशंस हम लोगों को देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट वन ड्रग टू ड्रग इंट्रैक्शंस, ड्रग टू ड्रग इंट्रैक्शंस. अगर किसी भी ड्रग से दूसरी ड्रग के
एक्शन के ऊपर, उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर जो इफेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रग टू ड्रग इंट्रैक्शंस। लाइक अगर कोई भी पेशेंट को हम लोग टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन दे रहे हैं एंड उसके साथ में कोई भी डेयरी प्रोडक्ट मिल्क अगर उसको हम लोग दे रहे हैं, तो वहां पे क्या करेगा, जो हम लोगों का एक्शन है वो क्या होगा, उसके अंदर हम लोगों को वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। एंड लास्ट वन इज एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस मीन्स कैन अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। दिस कैन इन्वॉल्व फैक्टर इन द इंटरनल एनवायरमेंट सच एज हार्मोन्स, और इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट सच एज द इफेक्ट ऑफ सर्टेन ड्रग्स एंड बारबिट्यूरेट्स इन एक्यूट इंटरमिटेंट प्रोफायरिया। यहाँ पे जो ड्रग्स होती हैं, जो हम लोगों के हार्मोन्स होते हैं उनके इन्फ्लुएंस की वजह से हम लोगों को ड्रग की कंसेंट्रेशन के अंदर वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। थेरापूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के अंदर हम लोगों को वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। दीज आर दी मेजर सोर्सेस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक वेरिएशंस। आप लोगों को पता चल गया होगा, आप लोगों के मिड टर्म हो रहे हैं, फर्स्ट मिड टर्म। हाँ सर, 5 अगस्त से आप लोगों के फर्स्ट मिड टर्म हो रहे हैं, तो आप लोगों का कल तो फार्मेसी प्रैक्टिस की क्लास है नहीं सर, तो लेता दो उसका सर। यस यस, फर्स्ट मिड टर्म में क्या क्या है, मतलब फर्स्ट मिड टर्म का सिलेबस आप लोगों का आज की क्लास में जहां तक कंप्लीट होगा सिलेबस, वो कंप्लीट सिलेबस आप लोगों के फर्स्ट मिड टर्म के अंदर आएगा। ओके, जो आप लोगों का आज तक जितना पोर्शन हम लोगों का कवर हो जाएगा सेकंड यूनिट का, वो आप लोगों का फर्स्ट सिलेबस, फर्स्ट मिड टर्म का सिलेबस होगा। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। यस सर, बहुत सारा है सर, पीछे का रिवाइज भी तो है सर, ऑनलाइन है तो सबको सर निकलवाना भी पड़ता है सर, फर्स्ट यूनिट ही रहने तो सर काफी है। फर्स्ट यूनिट क्यों, फिर आगे भी तो मिक्टम हो रहे हैं, अभी जितना कंप्लीट हो गया है उतना सिलेबस आप लोगों को आएगा सर। तीन मिक्टम है सर। यस, तीन मिक्टम है सर, वो तो है, तो पढ़ने का एक मिक्टम ही तो है सर, अभी फर्स्ट मिक्टम के लिए थोड़ा लोड कम रहने दो सर। तो सर मतलब सारे सब्जेक्ट है ना सर, बहुत इस बारे में सर बहुत सिर्फ थ्योरी थ्योरी है सर, तो थोड़ा सा चार सब्जेक्ट टोटल आप लोगों के सेवन सेमेस्टर के अंदर सर, सारे के सारे बहुत मतलब बड़े बड़े यूनिट्स हैं सर, थोड़े से मतलब फर्स्ट यूनिट ही रहने दो सर। अभी देखो इसके अंदर तो आप लोगों के कोई भी नहीं है वैसे, डेढ़ यूनिट के लगभग ये है, तो अभी सेकंड यूनिट तो वैसे भी कंप्लीट नहीं हुई है, उसके अंदर सिर्फ ओनली तीन टॉपिक ही तो है जो आप लोगों के हुए हैं, जो तीन भी नहीं हुए। चलो हाँ, जो थेरापूटिक ड्रग मॉनिटरिंग है इसको आप लोग छोड़ दो, इससे पहले जो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी एंड जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहां तक आप लोगों का कंप्लीट हाँ, आएगा। दो टॉपिक सेकंड यूनिट के एंड फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। ओके सर, मतलब कि फर्स्ट यूनिट का हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन वो भी आएगा, हॉस्पिटल कंप्लीट फर्स्ट यूनिट ऑर्गेनाइजेशन वो भी, एडवर्स रिएक्शन वो सभी कंप्लीट आएंगे फार्मेसी। अच्छा, पूरे चार सेक्शन आएंगे, चार टॉपिक आप लोगों के फर्स्ट यूनिट के हैं एंड ओके सर, टू टॉपिक्स आप लोगों के सेकंड यूनिट के हैं। सेकंड यूनिट के अंदर आप लोगों का ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल एंड सेकंड वन इज हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, ये दो टॉपिक आप लोगों के सेकंड यूनिट से आएंगे एंड फर्स्ट यूनिट आप लोगों की कंप्लीट आएगी। ओके okay? तो आपने रिड्यूस किया है कहां सर, थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग तो सिर्फ अभी चल ही रहा है सर। हाँ, तो थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग चल रहा है तो उसको मैं नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को। ओके, थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग आप लोगों का कंप्लीट भी नहीं होगा, अभी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होगा, तो थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग में आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ, ओनली हॉस्पिटल फॉर्मुलरी एंड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल, ये दो टॉपिक आप लोगों के सेकेंड यूनिट से आएंगे एंड फर्स्ट यूनिट की कंप्लीट जो फोर टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट आप लोगों की आएगी। ओके ओके सर, ओके।
नेक्स्ट वन थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग ऑफ साइक्लोस्पोरिन, जो यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर ड्रग्स की जो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग साइक्लोस्पोरिन जो ड्रग होती है उसकी थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दी मॉनिटरिंग शुड टेकन इनटू अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल दी ब्लड लेवल ऑफ साइक्लोस्पोरिन एंड दी थेरेप्यूटिक इंटरवेल डिफरेंट फॉर रीनल लीवर एंड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। यहाँ पे जो साइक्लोस्पोरिन जो ड्रग है उसका जो ब्लड के अंदर जो लेवल है, जो ब्लड के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन है, वो हम लोगों को किसके अकॉर्डिंग देखने को मिलेगी, डिफरेंट लाइक रीनल लीवर एंड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सबके अकॉर्डिंग अलग अलग डिफरेंट हम लोगों को देखने को मिलेगी। एंड द कोरिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन थेरेप्यूटिक इंटरवेल एंड एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी। यहाँ पे जो हम लोगों की साइक्लोस्पोरिन ड्रग है जो कि हम लोगों के लीवर ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन एंड रिनल ट्रांसप्लांटेशन के दौरान जो ग्राफ्ट रिडक्शन होती है, अगर कोई भी हम लोगों की बॉडी के अंदर लीवर, हार्ट, रिनल कोई भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है तो वहां पे जो रिएक्शन हम लोगों को देखने को मिलती है, रिजेक्शन जो देखने को मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन। इट्स मीन्स अगर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन हम लोगों को देखने को मिलता है तो हम लोगों की बॉडी, जो बॉडी के अंदर जो पार्ट ऑर्गन जो हम लोगों का ट्रांसप्लांट हुआ है वो हम लोगों की बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, तो उस कंडीशन में हम लोगों को ग्राफ्ट रिजेक्शन रिएक्शन देखने को मिलेगी। एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी, जो हम लोगों की नेफ्रोटॉक्सिसिटी हम लोगों को देखने को मिल सकती है। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोस्पोरिन ब्लड लेवल डिटर्मिनेशन शुड बी एट 2 to 3 days इन द फर्स्ट 4 weeks पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन, देन मंथली आफ्टर 3 months। यहाँ पे जो हम लोग साइक्लोस्पोरिन जो ड्रग है उसकी अगर हम लोगों को ड्रग की कंसेंट्रेशन ब्लड से डिटरमाइन करनी है तो वो हम लोग करेंगे 2 to 3 days, 2 से 3 दिन पे हम लोग उसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन करेंगे इन फर्स्ट 4 weeks। जो फर्स्ट 4 weeks होंगे आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन, किसी भी ऑर्गन का हम लोग बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो उसके 4 weeks तक हम लोग क्या करेंगे, 2 to 3 days के अंदर उसका डिटर्मिनेशन करेंगे ब्लड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन ड्रग जो भी हम लोग दे रहे हैं उसकी। एंड देन मंथली आफ्टर 3 months, आफ्टर 3 months हम लोग क्या करेंगे, मंथली मंथ में एक बार उसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन करेंगे ब्लड के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन का। नेक्स्ट वन, बिकॉज साइक्लोस्पोरिन बाइंड सिग्निफिकेंटली टू रेड ब्लड सेल्स एंड होल ब्लड इज ए बेटर बायोलॉजिकल मैट्रिक्स फॉर असेसिंग साइक्लोस्पोरिन कंसंट्रेशन देन प्लाज्मा। यहाँ पे जो हम लोगों की ड्रग को हम लोग जो 3 months पे डिटरमाइन कर रहे हैं उसके पीछे क्या रीजन है, बिकॉज साइक्लोस्पोरिन बाइंड सिग्निफिकेंटली टू RBCs, जो साइक्लोस्पोरिन है वो हम लोगों की RBCs जो एरिथ्रोसाइट्स होती है उनसे क्या होंगी, बाइंड होगी। एंड जब ड्रग अगर किसी भी RBC से अगर बाउंड होती है होल ब्लड के अंदर तो वो क्या है, उसका जो बायोलॉजिकल मैट्रिक्स है वो क्या होगा, बेटर होगा। एंड जो साइक्लोस्पोरिन कंसंट्रेशन है प्लाज्मा के अंदर वो हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, द पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग इज टू प्रिवेंट रिजेक्शन एंड इम्प्रूव टॉलरेंस, अवॉइडेंस ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड टू हाई इम्यूनोसप्रेशन। यहाँ पे जो हम लोग साइक्लोस्पोरिन की जो मॉनिटरिंग करने का जो मेन पर्पज होता है वो पर्पज क्या होता है, जो ग्राफ्ट रिजेक्शन जो हम लोगों को आ रहा है उसको प्रिवेंट करना एंड इम्प्रूव टॉलरेंस, जो ड्रग से टॉलरेंस डेवलप होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे एंड अवॉइड करेंगे नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड टू हाई इम्यूनोसप्रेशन, जो हम लोगों का इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करने से हम लोग इम्यून सिस्टम को बचाएंगे एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो हो रही है उसको हम लोग अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट वन, सी थ्रोट रेसिडुअल कंसंट्रेशन ऑफ सीओप्रिडोज कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद नेफ्रोटॉक्सिसिटी बट इट इज नॉट ए यूजफुल मेकर फॉर प्रिडिक्शन ऑफ एक्यूट रिजेक्शन। यहाँ पे जो हम लोगों की रेसिड्यूअल जो कंसंट्रेशन होती है ब्लड के अंदर वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड होती है, हम लोगों की नेफ्रोटॉक्सिसिटी से,
जो हम लोगों की नेफ्रॉन होता है उससे डायरेक्टली रिलेटेड होती है, एंड अगर वो कंसेंट्रेशन हम लोगों की बॉडी में ज्यादा होती है रेसिडुअल कंसेंट्रेशन, तो उस कंडीशन में हम लोगों को नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है, नेफ्रॉन के अंदर हम लोगों को इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन, इंस्टेड बोथ नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड एक्यूट रिजेक्शन आर बेटर कोरिलेटेड विद द एरिया अंडर द कंसेंट्रेशन टाइम कर्व मेजर्ड बिटवीन 0 to 4 hours और 0 to 12 hours। यहाँ पे जो हम लोग किसी भी ड्रग का एरिया अंडर कर्व जो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे एंड जो कंसेंट्रेशन टाइम कर्व हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे मेजर करेंगे, तो वो 0 to 4 hours एंड 0 to 12 hours के बिटवीन में हम लोग देखेंगे। जो एरिया अंडर कर्व है वो एक तो हम लोग 0 to 4 hours के बीच में चेक करेंगे, एंड सेकेंड वन जो हम लोग एरिया अंडर कर्व है जो 0 to 12 hours के बीच में हम लोग करेंगे। नेक्स्ट वन, दिस वैल्यू कैन बी बेटर एस्टिमेटेड यूजिंग द वैल्यू ऑफ C2 ब्लड लेवल 2 hours पोस्ट डोज। यहाँ पे जो हम लोगों को अगर बेटर एस्टिमेशन करना है, बेटर डिटर्मिनेशन करना है किसी भी ड्रग की कंसेंट्रेशन का, तो हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर 2 hours पोस्ट डोज जो डोज हम लोगों ने एडमिनिस्टर्ड की है उसके 2 hours बाद हम लोग ब्लड का लेवल से ड्रग की कंसेंट्रेशन को क्या करेंगे, उसका एस्टिमेशन करेंगे। एंड ग्रेटर वेरिएबिलिटी अकर्ड इन एब्जॉर्प्शन फेज इज द इनिशियल 4 to 6 hours आफ्टर द कॉज एंड डोज एडमिनिस्ट्रेशन। जो हम लोगों ने डोज एडमिनिस्टर्ड की है उसके बाद में हम लोग 4 to 6 hours के बाद में हम लोगों को जो एब्जॉर्प्शन फेज है वो इजीली आइडेंटिफाई होगी। एंड नेक्स्ट वन इज C2 कंसेंट्रेशन कैन बी यूज्ड एज ए सरोगेट इंडेक्स ऑफ सीओएस एंड एब्जॉर्प्शन एंड एक्सपोजर। जो हम लोगों की ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो हम लोगों को कंसेंट्रेशन के अकॉर्डिंग जो देखने को मिलेगा वो बेटर कब देखने को मिलेगा, सरोगेट इंडेक्स के दौरान, उसी को हम लोग यूज लेंगे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को उसकी कंसेंट्रेशन को एग्जामिन एंड डिटरमाइन करने के लिए। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। आप लोगों का 11:30 से 11:40 क्लास टेस्ट है, तो सभी को क्लास टेस्ट ज्वाइन करना है। ओके।